पर हम बात कर रहे हैं गोला के रण की। लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव का मतदान आज विधानसभा सीट गोला गोकर्णनाथ में जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान रहेगा। सुबह से ही जोश खरोश के साथ मतदान शुरू। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। बूढ़े जवान सभी अपने मतदान का कर रहे हैं प्रयोग। डीएमएसपी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। 139 गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव। बीजेपी और सपा के बीच है यहां पर सीधा मुकाबला। बीजेपी से अमन गिरी तो वहीं सपा से विनय तिवारी चुनाव मैदान में। 3 नवंबर को मतदान तो वहीं 6 नवंबर को होगी काउंटिंग। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से आमिर रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, आज गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव सीट पर चुनाव मतदान जो है वो जारी है सुबह 7 बजे से। क्या कुछ तस्वीरें हैं अब तक की, क्या अपडेट है, मतदान शुरू हो चुका है? देखिए, मतदान जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था, मतदान 7 बजे शुरू हो गया है। जो कयास था कि भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी, लोगों में उत्साह दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बूढ़े जवान सुबह से ही बाकायदा मतदान केंद्रों पर लाइन लगाए हुए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आमिर अगर बात की जाए तो सुबह से किस तरह के वोटरों की संख्या काफी तादाद में देखने को मिल रही है जो मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से सुबह ये होता है कि सुबह लोगों को लगता है कि वहां पर भीड़ नहीं होगी, सबसे पहले जाकर मतदान करें। जैसा कि सारे जो लोग आते हैं कंपनी के लिए, वो लोग भी यही कहते हैं कि पहले मतदान बाद में जलपान, तो ये नजारा भी दिखाई दे रहा है। और हर तरीके के, चाहे युवा हो, चाहे उसमें जवान हो या बुजुर्ग हो, सभी लोग मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर से देखा जाए तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी लगाई गई उसकी देखरेख के लिए सुबह से ही एसपी संजीव सुमन और डीएम महेंद्र राजेश सिंह बूथ बूथ पर जाकर यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। शुरुआती दौर में कुछ मतदान केंद्रों पर जो ईवीएम थी उसको लेकर थोड़ा वहां पर दिखाई दिया थोड़ा, और उसके बाद मतदान अपने विधिवत अपने सिस्टम से जिस तरीके से मतदान शुरू हुआ है लगातार चल रहा है। आमिर, अगर बात की जाए रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा, क्या बूथ को कुछ क्रिएटिव किया गया है कि जैसे कि पिंक बूथ बनाए जाते हैं, कहीं कहीं पर सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं, तो क्या इस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? हाँ, इस तरीके की कई बूथ आदर्श बूथ बनाए गए हैं जहां पर बाकायदा गुब्बारों से उसको सजाया गया है। सेल्फी बूथ भी बनाए गए हैं, क्योंकि इस तरीके के चलन पिछली कई बार से देखने को आ रहा है कि मतदाताओं को रिझाने के लिए, मतदाताओं को ऐसा फील हो कि जब वो मतदान केंद्र पर जा रहे हैं तो उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानियां ना हो। तो इस तरीके के कई जगह पर तो टेंट भी लगाया गया है ताकि मतदाताओं को धूप से बचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन और सरकार की कोशिशें होती है कि जो मतदान केंद्र है वहां पर लोग जाए, उनको परेशानी ना हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। अगर पिछले मतदान जो अभी हुआ था 2022 में, जब यहाँ पर अरविंद गिरी विधायक हुए थे, अगर उस वक्त की बात करें तो उस वक्त लगभग 45% से ज्यादा वोटों का यहाँ पर लोगों ने प्रयोग किया था। इस वक्त अगर बात करें तो लगभग 391,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर तैयार है। देखना है कि इस बार कितने परसेंट मतदान होता है। आमिर, अगर बात की जाए वोटिंग को, चुनाव को, मतलब मतदान होते हुए करीब 1 घंटे का समय जो अभी बीत चुका है, तो फिलहाल क्या इन 1 घंटे के दौरान क्या प्रत्याशियों ने, अमन गिरी ने या विनय तिवारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है अभी किसी पोलिंग बूथ पर जाकर? अभी तक इस तरीके की कोई खबर नहीं आ रही कि ये प्रत्याशियों ने अपने मत का प्रयोग किया है। अभी सरकारी आंकड़े के हिसाब से ये भी घोषणा नहीं हुई है कि पहले 1 घंटे में कितने परसेंट मतदान हुआ है, लेकिन मतदाता जो प्रत्याशी है लगातार बूथ बूथ पर जाकर मतदाताओं से मिल रहे हैं, अपने जो मतदान अपने एजेंट पोलिंग एजेंट बनाया है उनसे मिल रहे हैं, इनके हौसला अफजाई कर रहे हैं, या कहीं पर जिस तरीके की खबरें आती हैं वहां पर इनका दौरा लगातार शुरू हो गया है। तो प्रयास लगाया जा रहा है कि 10 बजे के आसपास किसी शहर के किसी मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। आमिर, डीएम और एसपी ने भी
मतदान केंद्रों का बूथ जो बूथ केंद्र हैं उनका निरीक्षण किया है, क्या कुछ व्यवस्था वहां पर दुरुस्त पाई गई या क्या कुछ खामियां नजर आई व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए डीएमएसपी सुबह से ही गोला विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गए थे और बाकायदा बूथ बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं। वहां पर किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, लोगों से पूछ रहे, लेकिन अभी तक शुरुआती अभी तक जो मतदान शुरू हुआ है तो किसी ने किसी तरीके की शिकायत इन अधिकारियों से नहीं की है और न किसी किसी प्रत्याशी ने कोई आरोप प्रत्यारोप अभी लगाया। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन जो मंशा है मतदान स्वच्छ वातावरण में हो सके, क्योंकि यहाँ पर कई लगभग एक दर्जन से अधिक संवेदनशील बूथ भी है, तो ऐसे में प्रशासन यही चाह रहा है कि किसी भी तरीके की कोई अफरा तफरी ना हो। आमिर बने रहिएगा, फिलहाल सुनते हैं कि लखीमपुर खीरी डीएम ने क्या कुछ कहा चुनाव को लेकर, पहले ये सुन लेते हैं, आप बने रहिएगा। अभी जितने हमारे वोटर्स हैं गोला विधानसभा के, उन सबसे विनम्र आग्रह है कि अपने मतदान का प्रयोग और अवश्य करें, लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग करें और उन लोग को सख्त चेतावनी है जो जरा भी बदमाशी करने का सोच रहे हैं, बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया। कुल 3 जोन हैं और 29 सेक्टर हैं, इसके अलावा 9 एडिशनल जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 2 ASP लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हर एक बूथ को CAPF से कवर किया गया है, लगभग 60% बूथों पर वेबकास्टिंग की जा रही है। तो गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव को लेकर डीएम ने भी यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी कमर कस ली है ताकि कोई भी अप्रिय घटना बूथ केंद्रों पर मतदान केंद्रों पर ना घटे, तो उसको लेकर तमाम तरह जो टीमों का यहां पर लगा दिया गया है टीमों को। आमिर आमिर आप सुन पा रहे हैं? आमिर अगर बात की जाए जिस तरह से अब डीएम ने सख्त लहजे में कहा है कि कई जो टीमें हैं उनको अलग अलग बूथ केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए लगा दिया गया है ताकि किसी भी घटना अप्रिय घटना को घटित होने से रोका जा सके, तो क्या माना जाए कि यहां पर जो चाक चौबंद के इंतजाम हैं उनका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है ताकि किसी भी अप्रिय घटना के होने से रोका जा सके घटनाओं को? देखिए आपको जैसा हम बता रहे थे कि जो 441 मतदान केंद्र है बूथ बनाए गए हैं, यहाँ पर जो 1 दर्जन से अधिक मतदान केंद्र है, तो ऐसे केंद्रों पर दोबारा गड़बड़ी ना हो, क्योंकि मतदान केंद्र जो संवेदनशील या अति संवेदनशील का जो चिन्हीकरण होता है वो इस बात पर होता है कि पिछले चुनाव में यहाँ पर कहीं छुटपुट घटनाएं होती है तो ऐसी वारदात होती है, तो ऐसे मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील संवेदनशील रखा जाता है, तो ऐसे में जिलाधिकारी की जो चेतावनी है कि इस तरीके के मतदान केंद्रों पर अगर किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन चाह रहा है कि ये जो पूरा उपचुनाव का जो पूरा मतदान आज हो रहा है ये स्वच्छ वातावरण में बढ़िया तरीके से हो सके, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी और जो जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी है उनकी जिम्मेदारी भी यही बनती है कि वो मतदान केंद्रों पर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी के बगैर मतदान कराया जा सके। हमें अगर बात की जाए यह जो सीट है यह पहले बीजेपी के खाते में थी यह सीट, लेकिन देहांत के बाद बीजेपी जो प्रत्याशी थे जो विधायक थे उसके बाद यह दोबारा उपचुनाव हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि उपचुनाव में क्या इस सीट को बीजेपी हथियाने में कामयाब होगी या फिर बीजेपी के सीट पर सपा यहां पर सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि सीधा मुकाबला अमन गिरी और विनय तिवारी के बीच देखा जा रहा है? जी आपको बता दें कि उपचुनाव हो रहा है यहाँ पे, कांग्रेस ने बसपा ने अपने अपना प्रत्याशी को नहीं उतारा, तो ऐसे में सपा और भाजपा ये आमने सामने है। जिस तरीके से बीजेपी ने इस सीट को लड़ा है, जिस तरीके से वो उसने कैंपेनिंग की, जिस तरीके से अपने 40 स्टार प्रचारकों के साथ में इस मैदान में उतर कर ना सिर्फ गली गली जाकर उनके मंत्रियों ने उनके खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्होंने यहाँ पर 2 बार इस क्षेत्र का दौरा किया, एक बार जो विधायक जो अरविंद गिरी के निधन के बाद उनके परिजनों से मिलने के लिए आए थे तब भी राजनीतिक बात कही थी उन्होंने, संकेत दिए थे कि उनके पुत्र अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया जाएगा, उसके बाद जब प्रत्याशी घोषित हो गया उसके बाद खुद योगी आदित्यनाथ ने इस गोला के अंदर जाकर अपनी सभा को किया और उन्होंने तमाम न सिर्फ यहाँ के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए बाकायदा गोला को छोटी काशी को गोला जो छोटी काशी कही जाती है धार्मिक एतबार से उसको उसको बाकायदा उसके बनारस की तरह तर्ज के ऊपर इसको कॉरिडोर बनाने की बात की, तो कहीं ना कहीं जो सारी कोशिशें थी बीजेपी की उसने यहाँ पर किया। अगर सपा की बात करें तो सपा का जो चुनाव लड़ने का जो तरीका था
उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते चले आए और विपक्षियों ने उस पर सवाल भी उठाया कि समाजवादी पार्टी ने एक सीट को पहले से ही हार लिया, हार मान लिया है और वो वहां से अपने प्रचार प्रसार को स्लो किए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो अपने तरीके से चुनाव लड़ती है पूरा तरीका यहाँ पर दिखाई दिया, क्योंकि एक उपचुनाव एक सीट के लिए 40 स्टार प्रचारकों का उतारना और डिप्टी सीएम और जो बीजेपी की जिला जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है उनका यहाँ पे कैंप लगाकर कैंपिंग करके बाकायदा यहाँ पर चुनाव प्रचार का हिस्सा बनना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो कोशिश की है वो यहाँ पर अब दिखाई दे रही है। बिल्कुल आमिर, अब देखना होगा कि नतीजे आने के बाद की तस्वीर क्या होगी, क्या बीजेपी सीट को हथियाने में कामयाब होगी या बीजेपी की सीट पर सपा सेंध लगाने में कामयाब होगी। आमिर, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।